विश्व गौरैया दिवस के मौके पर एफटीआई में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने गौरैया के संरक्षण को लेकर कहा कि जिस तरह आज के दौर में गौरैया विलुप्त होती जा रही है, इसको लेकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गौरैया संरक्षण का जो संकल्प लिया है जो बेहद ही सराहनीय है। इस दौरान वन अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी के वन क्षेत्र अधिकारी मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि गौरैया का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है, साथ ही रासायनिक खाद प्रयोग में न लाकर जैविक खाद का प्रयोग करें। उधर स्पैरोमैन गुलाब सिंह नेगी ने बताया कि इस दिवस को मनाने के लिए समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है। गौरैया एकदम समाप्त होती जा रही है, जिसके लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में 6 अलग अलग राज्यों राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से वन रेंजर के साथ शैलेंद्र सिंह नेगी मौजूद रही। समाज में जागरूकता लानी है और जब जिस दिन गौरैया हमारे समाज से विलुप्त हो जाएगी उस दिन हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये चिड़िया हमारे साथ रहती है, इसको जिंदा रखना है और अपने पीढ़ी को भी बचाना है अपने आगे। इनके संरक्षण के लिए जो ऑनलाइन घोंसला मिल रहा है, जो स्पैरो नेस्ट है, उसका साइज जो है अंदर 7x7 इंच होना चाहिए, उसको हमने इंटरनेट में देखना है। और जो हम घर में घोंसला लगा रहे हैं उसके साथ साथ इस चिड़िया को पेड़ भी चाहिए, अपनी बाउंड्री वाल पे बेल वाले, लताएं वाले ये वृक्ष भी लगाने हैं, और कांटीदार झाड़ी भी इस चिड़िया को पसंदीदा है वह भी हमने लगानी है, जिसमें हम बेर का पेड़, बेल का पेड़ और बैगन बोलिया, कई तरह का लेंटाना झाड़ी, इसमें यह निवास करती है और अंडे और बच्चे के लिए यह जो हमारा नेस्ट है उसमें आती है। गौरैया हमारी घरेलू चिड़िया है, ये धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है, इसको संरक्षण करना हम हर आम नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि ये मानव सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है और जब जो जो मानव का विकास हुआ है वो इस ये चिड़िया के संग हुआ है। और आज बहुत सारे जो हमारे जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इससे इसका संकट हुआ है, तो अब हम ज़रूरत है कि हम इसको संरक्षित करें, हरियाली अपने इर्द गिर्द करें, इनके कृत्रिम जो घोंसले हैं उन घोंसलों को लगाएं ताकि ये चिड़िया आ सके और प्रजनन कर सके और इनकी आबादी बढ़ सके। विश्व गौरैया दिवस जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे, उसके तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। मैं आयोजकों को सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गौरैया जो कि हमारी परिवार की अभिन्न अंग थी, हमारे समाज की, हमारे घर की अभिन्न अंग थी, आज वो विलुप्त होने की कगार पर है, तो ये प्रयास सराहनीय है। और विश्व गौरैया दिवस के दिन सबने संकल्प लिया कि हम गौरैया का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल पेस्टिसाइड है, यानी कि पेस्ट कंट्रोल में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई कीड़े जो हैं, मकोड़े जो हैं, जो हमारी फसलों को नष्ट करते हैं, फूल पौधों को नष्ट करते हैं, उन कीटों के कैटरपिलर स्टेज को ये अपना भोजन बनाती है, तो ये बहुत ही अति आवश्यक है कि चिड़िया जो कि गौरैया है उसके संवर्धन को लेकर अब बातें उठने लगी हैं। सबको बधाई।